फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो ठीक ही हूँ। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैं 4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज थोड़ी ठीक है तो मैं सोची कि वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो जिस पर मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और ये भी सजेस्टेड ही वीडियो है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का नाम है बाला साहेब ठाकरे स्वैग मोमेंट। यानी बेसिकली ये बाला साहेब ठाकरे ठग लाइफ है। ठग लाइफ मतलब जो बाला साहेब, जैसे सब जानते हैं फ्रेंड्स कि वो बेबाक व्यक्ति थे, तो उनकी द्वारा बोली गई जो पंच लाइन होती है बेसिकली, उसका ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो और एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करो। आइए पहले देख लेते हैं बाला साहेब ठाकरे पे ये ठग लाइफ, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। आप आएंगे तो आपके साथ, और नहीं आएंगे तो आपके बिना। राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पाव रहता है। हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था ये करें हम? पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू। ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है। और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? हिंदू धर्म की बात हो तो हिंदू धर्म का अपमान हो तो मैं रोकूंगा। मैं चोले नहीं रोकूंगा, मगर ये करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट मैं नहीं मानता। आप भी बियर पीते हैं? आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसे हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई आप पान? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। कोई सुपारी? नहीं सुपारी। सलाह क्यों जिंदा रहे? ISI का प्राइम टारगेट मुंबई है, इसमें दोबारा कोई बम विस्फोट ना होने पावे, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपने लिए? इस वक्त तो वो कोई थोड़ी हिम्मत करे तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको। ये तो सच है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये ढोंगबाजी या व्हाट यू कॉल हिपोक्रेसी, ये हमारे घराने में नहीं बात है। यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये अयोध्या, काशी और मथुरा आके कुछ नहीं चाहिए। रख दो आपके पास। मैं मानता हूँ कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। में और RSS में एक ही फर्क है, जैसे कि शिवसेना और RSS में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहते हैं, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती। यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है, मगर देश को, देश की कोई हिफाजत होनी चाहिए तो मैं हमेशा आगे का देखता हूँ। We have a gateway of India which has no doors. आइए अंदर आइए। हमारा दुश्मन कैसा है इसकी पहचान होनी चाहिए। Not necessarily keep, you should keep RDX, मगर कौन किस ढंग से वो हमला होने वाला है इससे जरा लाइक अ डोबरमैन यू शुड बी अलर्ट। क्रिकेट में तो नॉट आउट होता है, आप तो नॉट आउट हुए नहीं। आउट तो हुए नहीं, आप तो नॉट आउट है। बॉलर अच्छे नहीं तो मैं क्या करूं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज्यादा खाता हूँ। वेरी गुड, तो फिट रहता हूँ। तो उनको पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान मिला। चलो चुपचाप बैठो, आराम से रहो। हम आप नूरजहान को सुनो, हम हमारे लता मंगेशकर को सुनेंगे, आशा को सुनेंगे।
और क्या चाहिए आपको? मन में उनकी जो एक दुश्मनी है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंद आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं, तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहे। जानना चाहती है श्रीदेवी आपको क्या कहती है? श्रीदेवी मिलती है मगर कुछ नहीं कहती है। अच्छा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, श्रीदेवी मेरे को क्या कहती है? बोले मिलती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। और जो बाला साहेब ठाकरे ना, उसकी पूरी लाइफ है ना, वो एकदम मतलब ठग लाइफ जैसी ही रही है। ठग लाइफ मीन्स के किसी की इंसल्ट वगैरह नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो बेबाग व्यक्ति होते हैं ना वो लोग मतलब काफ़ी पंच लाइन मारते हैं और वो पंच लाइन पे ही ये ठग लाइन बनती है फ्रेंड्स। तो बाला साहेब ठाकरे जी है ना फ्रेंड्स, वो उनके बारे में बोला जाए ना फ्रेंड्स, तो वो मतलब विदाउट पावर, वैसे उनके पास कोई पावर नहीं थी क्योंकि वो मतलब विदाउट पावर यानी वो कोई कभी कभी भी वो शिवसेना के अध्यक्ष जरूर थे लेकिन मैंने सुनी कि वो कोई बड़े पावर पे मतलब सरकार वगैरह में रहे हैं। फिर भी फ्रेंड्स पूरी मुंबई समझ जाओ थर थर, वो अगर बोल देंगे ये चीज़ नहीं होगी तो फिर नहीं ही होगी। और वो उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग टाइप की थी फ्रेंड्स, वो लातों और बातों दोनों में मानते थे, बोले कि जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े देनी चाहिए। एक पत्रकार ने उसको उनको पूछा कि मतलब आप कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं, बोले कि बाला साहेब ठाकरे बोले कि वो इंसान मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, बोले कि गुटखा नहीं खाते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, दारू नहीं पीते हो, तो फिर पहले बोले जीते क्यों हो? और बोले कि एक और अच्छा था वो बाला साहेब ठाकरे जी बोल रहे हैं कि अगर बम फट जाने के बाद हम बोलेंगे कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मतलब कदम तो उठाने ही पड़ेंगे पहले, यानी अच्छी मतलब थोड़ी छोटी सी वीडियो थी। हम बड़ी वीडियो पे बाला साहेब ठाकरे जी की मैं बोली ना, जैसे वो एक ऐसे वो वैसे नेता तो रहे नहीं हैं, इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अगर नेता में भी हम उनको गिने ना फ्रेंड्स, वो एक ऐसे नेता थे, आजकल के नेताजी जो होते हैं ना, वो नेताजी बोलेंगे बुरा मान जाएंगे, वरना तो नेताजी होते हैं ना, इधर कुछ और होता है, इधर कुछ और होता है, लेकिन हमारे बाला साहेब ठाकरे जी जो थे ना फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो इधर है वही इधर है, वही इंसान हम, मैं तो पर्सनली मेरा बोलूँगी, मेरे को बाला साहेब ठाकरे बहुत पसंद थे और ऐसे इंसान ही मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जिसके मन पे जो बात हो वही मुँह पे हो फ्रेंड्स। तो वो ऐसे इंसान आजकल ढूंढना बहुत मुश्किल स्किल है फ्रेंड्स। तो ऐसे थे हमारे बाला साहेब ठाकरे, बहुत अच्छी मतलब ठग लाइफ थी। मतलब पत्रकारों को आजकल टेढ़ा बेढ़ा सवाल करते हैं ना, उनको ये अच्छे से सबक सिखाना जानते थे। और डर किसको बोलते हैं भाई? जो बाला साहेब ठाकरे जानते ही नहीं थे, तो वो ऐसे बेबाक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, निडर और बेबाक व्यक्ति। तो ये बहुत अच्छी वीडियो थी। हाँ फ्रेंड्स, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी एंजॉयबल वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।